फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें न्यू टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये एक Q&A वीडियो है और गेमिंग की तरफ से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। सो मैंने उनमें से कुछ जो ज़रूरी क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लगा कि क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, तो एक वीडियो में क्वेश्चन कवर करता हूँ, ठीक है। तो सारे जो गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो अगर आप एक गेमिंग करते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सो वह सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया वो है ईशान चक्रवर्ती, ये कहते हैं कि गेम पे लैग सॉल्व करने के लिए कौन सा बेस्ट टीवी है, प्लीज़ रिप्लाई। और उन्होंने अपना जो फ़ोन भी बताया कि कौन सा है, रियलमी Y3। तो देखो दोस्तों, जो आपके फ़ोन में गेम लैग वगैरह मिल रहा है वो आपके फ़ोन का जो DP है, अगर वो बाई डिफ़ॉल्ट है तो आपके फ़ोन में जो है DP की मदद से वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई और वजह से है। एक गेम को जब भी वो लैग होता है या फिर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो फ़ोन में गेम है वो लैग होता है, अच्छा फ़ोन होने के बाद भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है DP अगर आपने चेंज करा है तो आप उसको वापस से डिफॉल्ट पे सेट कर दीजिए, आपको जो गेम है अच्छा चलने लगेगा अगर DP की वजह से प्रॉब्लम है तो। और यहाँ पर जो गेम है आप उसमें DP चेंज नहीं करें, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में एक अच्छा हार्डवेयर है, मतलब 4GB रैम से ऊपर है, तो आपके फ़ोन में जो है वो DP में अगर आप चेंजेस करते हैं तो अच्छे से रन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, देखिए जो DP है उसका एक यूज है दोस्तों, DP को ऐसे चेंज नहीं किया जाता। DP जो है स्मॉलेस्ट बिट जो फीचर है उसको यूज़ करके आप थोड़े से बड़े फ़ोन्स होते हैं, बड़ी स्क्रीन वाले, आप उनका एक्सपीरियंस अपने फ़ोन पर ले सकते हैं, या फिर इसका जो कुछ यूज़ है वो कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए करा जाता है। हालांकि आप इसे गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको हर बार अपने फ़ोन का DP चेंज नहीं करना चाहिए। और जो DPs होते हैं दोस्तों वो सभी फ़ोन्स के सेम नहीं रहते, अगर आप फुल HD डिस्प्ले के DP देखेंगे तो आपको सारे सेम मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े अलग अलग फ़ोन्स होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग DP होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि इसमें आपको अपना जो DP है वो रखना चाहिए। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मेरे पास आता है कि आप जो DP चेंज कर रहे हैं कौन सा सेट सही रखना चाहिए, ठीक है। तो एक हायर DP बताता हूँ मैं आपको, 450 से 400, ठीक है, इतना आपको रखना है रेंज में, आपको 450 DP से ऊपर नहीं जाना है। इसको मैं ट्राई कर चुका हूँ मेरे इस फ़ोन पे, तो इसमें जो है एक बार क्या हुआ था कि वो क्रैश होने लगा था, उस DP को वो है यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया था, तो मैंने आई थिंक 480 DP जो नंबर है उसको सेट करा था। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको एक नंबर मैंने बता दिया, 400 से 450 आपको हायर DP तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत जाना, नहीं तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है अगर क्रैश हो गया तो डेटा चला जाएगा, तो बी सेफ़ ओके। तो फिर रीसेट वगैरह करना पड़ता है, सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे जो DP है वो ज़रूरी बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहिए, आपको जो फ़ोन है प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है यहाँ पे कि जो गेम है उसको डिलीट या और अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है वो कैसे हाइड करें, छुपाएं। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए सिंपल से आपके जो फ़ोन है ज़्यादातर फ़ोन्स में ये ऑप्शन अनेबल रहता है, तो आप इसको हाइड नहीं कर सकते, ये सिस्टम में ही है, ठीक है। अगर आप इसको हाइड रखना चाहते हैं तो कोई लॉन्चर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आई थिंक और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैंने जो देखा है कि लॉन्चर एप्लीकेशन में क्या होता है कि उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस लॉन्चर को, मोबाइल के इंटरफेस को आप बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। तो आप एक लॉन्चर का यूज़ करें, बहुत सारे लॉन्चर हैं तो आप उनको यूज़ करें, लॉन्चर के यूज़ करने के बाद आप उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदल सकते हैं, ऑप्शंस कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, अलग अलग जो ऑप्शन आप रखना चाहें वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक के लॉन्चर से आपको ये मदद हो जाएगा, तो ये अनइंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है वो शायद उसमें हाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर से ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नाम कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओके। सो ये भारत का ही कोई दूसरा लैंग्वेज वो होता है। ये कहते हैं कि इनका जो फ़ोन में है जो है 4GB रनिंग जो है नहीं मिला है, सैमसंग का फ़ोन है इनका। तो दोस्तों देखो, जो फ़ोन है उसमें जो फीचर्स होते हैं, कई फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनी के होते हैं, तो थोड़े उसमें जो है नेम चेंज करके दे दिया जाता है। अब हालांकि मैं यहाँ पे शोमी डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो उसमें सीधा जो नेम है वो 4GB रेंडरिंग के नाम से ही है, और हो सकता है उस फ़ोन में फीचर्स ना ही हो, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोन है अलग अलग फ़ोन के हिसाब से थोड़े से फीचर्स जो है डिफरेंट होते हैं, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, और आप और फीचर्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है कि भाई
हेलो भाई, जो है फ्री फायर में लैग देखने को मिलता है, कैसे फिक्स करें? उन्होंने अपना जो फ़ोन है वो बताया, रेडमी 7 बहुत लैग होता है। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे चैनल पे मेरे पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, तो आप वो ज़रूर से चेक करें। मैंने उसमें दो वीडियो हैं मेरे पास जो कि अच्छे हैं, उनमें से आपको सोल्यूशन पक्का मिल जाएगा, ठीक है? तो उसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और अगर इसके बाद अगर आपको कोई और भी चीज़ जाननी है, तो एक आगे वीडियो प्लान कर रहा हूँ मैं, अच्छा बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ चीज़ अच्छा बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं लाऊंगा एक और वीडियो, अल्टीमेट सारे मेथड मैं बता दूंगा उसमें, जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर जो गेमिंग है उसमें प्रॉब्लम आता है, लैग वगैरह होता है, तो वो आप ठीक कर पाएंगे। चाहे कोई भी फ़ोन आप यूज़ करते हो, सभी के लिए सूटेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी चीज़ें जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आता है हमारे पास, वो फिर से अगेन यहाँ पे भी जो इनका फ़ोन है डीपी गेमिंग नाम रखा है, और इनका जो फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि इनका प्रोसेसर वगैरह अच्छा है, 32 GB अच्छा स्टोरेज है, और डीपी भी इन्होंने सही सेट करा है, फिर भी जो है यहाँ पे इनको जो है गेम में लैग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, इसके लिए मैंने पहले ही बना दिया है, मेरे पास पहले भी क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ उन पर, तो आप वो वीडियो जाके चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और जो है यहाँ पे एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं कवर करूँगा जो कि आप कोई भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी गेम प्रॉब्लम आता है, गेम में लैग मिलता है, तो आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, और मैं साथ साथ में उसके जो भी कारण होते हैं उनको भी कवर कर लूँगा, बताऊँगा आपको कि कैसे जो है कोई भी गेम है उसको चीज़ें इफेक्ट होती हैं, या फिर जो ऐप आप यूज़ करते हैं वो कैसे आपके फ़ोन के लिए सही नहीं होते, तो जो है आने वाले वीडियो में जरूर से कवर कर लूँगा। तो फिलहाल की वीडियो में दोस्तों इतने ही थे मेरे पास क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, उनमें से बहुत मुश्किल से मुझे ये कुछ ज़रूरी क्वेश्चन मिले, क्योंकि ऐसा होता है कई बार वीक निकल जाता है, वीक में भी कई बार बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो इस वजह से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, ठीक हो? सो गाइस, मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, आपको कि अगर आपको कोई भी और भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं उस पर वीडियो ले आऊँ, या फिर मैं आपको इस तरह के Q&A में उसका जो आंसर है वो दे सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो तक ही, वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और गेमिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप वो जरूर से चेक करें। आज की वीडियो तक ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।